नमस्कार। आज हम यखनी बनाने जा रहे हैं। ये यखनी कश्मीर की स्पेशलिटी है और ये दही से बनता है। वैसे यखनी तो अलग अलग सब्जियों से बनती है, पर आज हम मशरूम के साथ बनाएंगे। मशरूम की यखनी बहुत जल्दी बनती है और बहुत स्वादिष्ट भी होती है। अगर आपके घर में कभी अचानक से मेहमान आए, आप उन्हें ये रेसिपी बना के ज़रूर खिलाइएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मशरूम यखनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है 400 ग्राम मशरूम, जो कि आधा घंटा पहले हमने धो के रखा है। एक गिलास गाढ़ा दही, नमक स्वाद के अनुसार, आधा टीस्पून सौंठ पाउडर, एक टेबलस्पून गरम मसाला, 3 टेबलस्पून सौंफ पाउडर, कसूरी मेथी, 2 तेज पत्ता और 2 हरी इलायची जो कि हमने तोड़ के रखी है। तेल फ्राई करने के लिए और घी हमें तड़का के लिए चाहिए। मशरूम यखनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे बटन मशरूम लिए हैं। आप कोई सा भी मशरूम ले सकते हो। मशरूम को हम 2 हिस्सों में काटेंगे, बिल्कुल छोटे हिस्से भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करोगे तो गल जाएगा। ये हमारे मशरूम कट के तैयार हो गए। अब हम पैन को गैस पर जलाएंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। यहाँ पर हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया, आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो। तेल हमारा गर्म हो गया, अब उसमें हम सारे मशरूम डाल के फ्राई करेंगे। मशरूम को अच्छी तरह से हिलाइए ताकि सब तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इवनली फ्राई हो जाए। इनको जलाना भी नहीं है। जब तक हमारा मशरूम फ्राई होता है तब तक हम हमारा दही तैयार करते हैं। दही यहाँ गाढ़ा है, हमने इसमें आधा गिलास पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके जो हमने सौंफ पाउडर लिया है वो डाल देंगे। सौंफ पाउडर हम बाद में भी डाल सकते हैं, पर हम अभी इसलिए डाल रहे हैं कि जब हम दही को तेल में डाल देंगे इसमें फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम सौंफ पाउडर डालते हैं या कोई सा भी मसाला डालते हैं तो फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही में सौंफ पाउडर ही जो यखनी का टेस्ट बढ़ाता है। हमारे मशरूम तल के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, वाइटिश लग रहे हैं। हम इसको बाहर निकाल देंगे। तेल हमारा जो है बहुत गर्म है, हम यहाँ पर गैस की आंच थोड़ी सी धीमी कर देंगे। अब हम इसी तेल में जो हमने ये दही बनाया है इसको पैन में डाल देंगे। साथ में हम इसके तेज पत्ता और हरी इलायची भी इसी में डाल देंगे। हमारे इस बाउल में थोड़ा सा दही है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर ये भी इस यखनी में मिक्स कर देंगे। अब हमें यखनी को हिलाते रहना है एक ही डायरेक्शन में, और तब तक हिलाते रहना है जब तक ये उबल ना जाए। ये देखिए हमारी यखनी उबल के तैयार हो गई। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है, वाइटिश कलर है, बहुत ही बढ़िया। अब हम इसमें आधा टीस्पून सौंठ पाउडर डाल देंगे और मिक्स करेंगे और हमारे मशरूम डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार। अब हम अपनी यखनी को उबालने के लिए रखेंगे। इसका ढक्कन रख के तब तक उबालेंगे जब तक इसका
जो कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए। ये देखिए हमारी यखनी यहाँ थिक लग रही है, ये देखिए गाढ़ी हो गई है, इसका कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसमें गरम मसाला डाल के मिक्स करेंगे, गैस की आंच धीमी करके हम इसको ढक के रखेंगे ताकि गरम मसाला इसके फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तब तक हम गैस पे छोटी कढ़ाई लगा के इसमें आधा टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी और घी को थोड़ी देर के लिए बस चलाना है और फिर हम ये जो मिक्सचर है इसको हम अपनी यखनी में डाल देंगे। इससे यखनी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। यखनी का गैस बंद करके हम ये जो कसूरी मेथी का मिक्सचर बनाए उसको यखनी के ऊपर डाल देंगे। अब कढ़ाई में थोड़ी सी कसूरी मेथी लगी हुई है, इसमें हल्का सा यखनी उठा के वापस करी में डाल देंगे। ये होगी हमारी यखनी तैयार, बहुत ही अच्छी लग रही है, कलर इसका बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम इसको हम सर्विंग बाउल में डाल देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर यखनी लग रही है। ये देखिए हमारी यखनी तैयार है, बहुत ही सुंदर कलर आया है इसमें। अब आप इसको परोस सकते हैं।